17 सितंबर 1965 शिला प्रपात ने पहली बार अपने कदम अमेरिका की भूमि पर रखे थे। 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास केवल 40 रुपए थे, जिसे अमेरिका जाने के बाद ये नहीं पता था कि किसे मिलना है, कहाँ रहना है, ना ईस्ट ना वेस्ट ना साउथ, कोई दिशा नहीं पता थी। बस कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भर होकर शिला प्रपात अमेरिका पहुंचे। अमेरिका की भूमि को देखने के बाद शिला प्रपात ने अपने डायरी में एक कविता लिखी। उस कविता में उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ अपने हृदय की बात और उनसे कृपा की याचना करी है। शिला प्रपात अपनी ह्यूमिलिटी में लिखते हैं, आई एम ए यूजलेस फेलो, ना मेरे पास कोई ज्ञान है, ना कोई विज्ञान, ना मेरे पास कोई भक्ति है। शिला प्रपात लिखते हैं, 1922 में मुझे अपने गुरु से आदेश मिले थे पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करने की, एंड नाउ इट्स 1965, 43 लॉन्ग ईयर्स। मैं इतने समय केवल सोचता रहा लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। भगवान, आज आपने मेरी इच्छा को पूर्ण किया है। प्रभुपाद भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, ही इज थैंकिंग लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद ने केवल सोचा नहीं था अपने गुरु के आदेशों को पूर्ण करने के लिए, उन्होंने अथक प्रयास किए थे, जैसे कि ग्रंथों का निर्माण, उनका वितरण, उनका प्रचार, यहाँ तक कि पाश्चात्य जगत जाने से पहले उन्होंने भारत भूमि में भी प्रचार करने का कितना प्रयास किया। हमारे आचार्य बताते हैं ये सब कृष्णा का प्लान था। भगवान चाहते थे कि प्रभुपाद अपना जीवन प्रिपरेशन में लगाए, उन्होंने कभी अपना समय वेस्ट नहीं किया। प्रभुपाद ने 43 इयर्स स्कॉन जैसी एक ऊंचे बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाने में लगाया और उन्होंने कभी इसका श्रेय खुद को नहीं दिया। प्रभुपाद अपने हृदय में कृष्ण को लेकर गए थे उन लोगों के बीच जो कृष्ण का क भी नहीं जानते थे। ऐसी सभ्यता में जहाँ अधिकतर लोग रजस और तमो गुण के अधीन थे, परंतु प्रभुपाद भी एक महान योद्धा थे। जिस प्रकार योद्धा युद्ध में उतरने से पहले पूरी तैयारी के साथ जाता है, उसी प्रकार माया के विरुद्ध इस जंग में प्रभुपाद अमेरिका भी अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ पहुंचे, जो कि थे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, कृष्ण प्रसाद, हरि नाम, गुरु निष्ठा और भगवान के शुद्ध नामों के प्रति पूर्ण विश्वास। इसके साथ ही साथ प्रभुपाद को पूरा भरोसा था कि भगवान एक अद्भुत जादूगर है और उनकी अहेतु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। लाइक वी हैव ऑल स्टडीड इन टर्म्स ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट वन स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन कैन बी अ जायंट लीप फॉर अ मैनकाइंड। इसी उपलक्ष्य में हम समझ सकते हैं कि अमेरिका पर पड़े प्रभुपाद के एक कदम ने पूरे मानव चेतना के उत्थान के लिए नए आयाम खोल दिए। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.